हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में, और कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या उसके रूल्स होते हैं, और फाइनली हम लोग बात करेंगे ओवरलोडिंग कैसे करेंगे हम लोग किसी कंस्ट्रक्टर का। तो ये चार टॉपिक हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा, सेकेंड है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, थर्ड है रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर, एंड फोर्थ है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। इन चारों टॉपिक्स को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का रहेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्टर का, तो कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी एक क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी प्लस पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, तो सी लैंग्वेज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंस्ट्रक्टर का, जबकि सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट है इसका, और जावा में भी इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे तो दो टाइप्स के होते हैं जावा में कंस्ट्रक्टर, और तीन टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर। कौन कौन होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। तो कंस्ट्रक्टर रियली होता क्या है, तो एक तरह का फंक्शन होता है, जिस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शन पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं, और हम लोग जावा में भी फंक्शन पढ़ते हैं। तो जो जावा में फंक्शन होता है उस फंक्शन का नाम यहाँ पे हो जाता है मेथड। जावा में जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मेथड्स, जबकि उसी फंक्शन को हम लोग सी लैंग्वेज में हो या सी प्लस प्लस में हो, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। उसका कारण ये है कि सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में आप फंक्शन को कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में ऑलवेज आप क्लास के अंदर में ही फंक्शन को बना सकते हैं, सी प्लस प्लस में क्लास के बाहर भी बना सकते हैं और क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, यही कारण है उसका नाम वहाँ पे फंक्शन है। जबकि जावा में सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर में ही आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, दैट फंक्शन इज नोन एज मेथड्स। तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंस इसका ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंपाइलर के द्वारा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास में। तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास में, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जबकि फंक्शन के साथ ऐसा नहीं होता है। फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग देखें कि स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। सेकंड पॉइंट में आप कह सकते हैं कि इसका यूज हम लोग करते हैं इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो डेटा मेंबर क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जब भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक क्लास बनाने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से हम लोग क्लास को बना सकते हैं। क्लास में क्या होता है कि क्लास का नाम होता है और क्लास कीवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद में क्लास का नेम देंगे। क्लास का नाम हम यहाँ पे स्टूडेंट रख सकते हैं, स्टूडेंट रख लिए, और इसका बॉडी होगा, इसका बॉडी होगा। अब इस बॉडी में क्या होंगे, तो डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स में क्या जाएंगे, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स आप इसमें इनिशलाइज कर सकते हैं, जिसका यूज आप प्रोग्राम में करेंगे। उसके बाद में इसके मेंबर फंक्शन होते हैं, मेंबर फंक्शन अगर जावा में बात करेंगे तो मेथड्स होंगे, जिस मेथड्स का जो है ना हम लोग यूज करते हैं इस वेरिएबल को यूज करने के लिए प्रोग्राम में। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो ये डेटा मेंबर्स हैं ये क्या हैं, तो ये वेरिएबल्स हैं, और इनको इनिशियलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो क्लास के नेम के जैसा ही होगा और वो क्लास में ही आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो क्लास का हमारा नेम है, वो क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है, और कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे तो क्लास के नेम के जैसा ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो उसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका बॉडी होगा।
ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए जो क्लास का नेम है स्टूडेंट है और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है स्टूडेंट है, दोनों का नाम क्या होगा सेम होगा, वही थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कहा जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में कहा जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, यानी कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो कोई रिटर्न टाइप नहीं देगा और इवन वॉइड भी आप उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग फंक्शन को बनाते हैं या कोई मेथड्स को बनाते हैं तो उसका रिटर्न टाइप होता है, यहाँ पे होता है क्या रिटर्न टाइप, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम हो जाता है, फंक्शन का नेम हो जाता है, और उसके बाद जो है ना इसका बॉडी होता है। तो हम लोग फंक्शन यहाँ पे हम बनाते हैं void return type होता है, उसके बाद यहाँ पे add जो है ना फंक्शन का नाम हो गया, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसका बॉडी हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इवन void भी नहीं है, क्योंकि void का मतलब क्या होता है, void का मतलब होता है नथिंग, यानी कि ये प्रोग्राम जो है ना कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे हम void का भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जो कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स होगा वो सिंपल कंस्ट्रक्टर नेम और उसका बॉडी होगा, कोई रिटर्न टाइप इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एज सून एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इन्वोक का मतलब होता है कॉल, तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब, एज सून एज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, जैसे ही उस क्लास का जिस क्लास में वो कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली जो है ना कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्योंकि इसका नाम कंस्ट्रक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो होता है ना वो वैल्यू जब क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट का उस टाइम में जो है ना ये यानी कि ऑब्जेक्ट के वैल्यू को क्रिएट करने का काम करता है, यही कारण है कि इसका नाम जो पड़ा है वो कंस्ट्रक्टर पड़ा है। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट ए कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास, यानी कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी कंस्ट्रक्टर को लिखे अपने क्लास में, ये नेसेसरी नहीं है, बिकॉज जावा कंपाइलर क्रिएट्स ए वैल्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ योर क्लास डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करते हैं क्या मैंडेटरी है अपने प्रोग्राम के लिए, तो नहीं मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं भी क्रिएट करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्टर को तो ऑटोमेटिकली जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता है और उसी से जो है ना सारे डेटा मेम्बर को इनिशलाइज कर लेता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग जिसको हम लोग यहाँ पे समझें, समराइज करके आप देखेंगे तो सबसे पहले पॉइंट आप कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर होता है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा और एक कोई रिटर्न टाइप नहीं देगा, इवन की वॉयड भी रिटर्न नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली कॉल होता है ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और इसका नाम कंस्ट्रक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके वैल्यू को इनिशलाइज करता है, और ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज करें, अगर आप नहीं दे पाते हैं मिस कर जाते हैं तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है और सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता है। ये पॉइंट्स हो गए कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग। आगे हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स का, तो इसके दो टाइप्स होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक और होता है तीसरा जो होता है ना कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है जावा में, इसको अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ाओगे तो याद होगा, तो सी प्लस प्लस में इसका कॉन्सेप्ट है लेकिन जावा में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि सी प्लस प्लस में तीन तरह के कंस्ट्रक्टर पाए जाते हैं, एक तो हो गया आपका डिफॉल्ट, दूसरा हो गया पैरामीटराइज और तीसरा हो गया कॉपी। और जावा में हम लोग दो तरह के कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, एक हो गया आपका डिफॉल्ट, दूसरा हो गया पैरामीटराइज। ये दो तरह के कंस्ट्रक्टर हैं, इन दोनों को हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट लाइक जीरो और नल, यानी कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो जीरो नहीं तो नल। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो किसी भी क्लास के अंदर में क्रिएट करेंगे। तो क्लास हमारा मान लीजिए यहाँ पर होता है क्लास, और इसका नाम स्टूडेंट ही हम लेते हैं,
स्टूडेंट के क्लास का नेम हो गया और इसका एक बॉडी हो गया। अब इसके अंदर में अगर हमें कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पर जो है ना ये रख लेंगे, ये जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर नाम क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जो क्लास का नेम होगा, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप रख देंगे स्टूडेंट, और इसमें देख रहा है आपका कोई भी पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर कहाँ पास करते हैं तो उसके फंक्शन में पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको पैरामीटर होता है, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर इसको हम लोग नहीं भी बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, यानी कि नहीं देते हैं, मिस कर जाते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं, तो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रोग्राम का जो जावा कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ये कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्गुमेंट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास आर्गुमेंट्स हो अपने प्रोग्राम में, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो है ना ये स्टूडेंट है, अब इसी में जो है ना हम लोग एक या दो या तीन आप आर्गुमेंट पास कर देते हैं तो हो जाएगा आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, यहाँ पे वाई इस तरह से कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो पैरामीटर हम पास करते जो इंटीजर टाइप का है, तो इसमें पैरामीटर आ गया। तो पैरामीटर जब आ गया तो इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं, यही कारण है कि इसमें हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं, और जिस कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर को यूज करेंगे उसको कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ पे है कि इसमें आप कितने कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हैं, तो इसके कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप नंबर ऑफ जितने भी रिक्वायर्ड हैं उतना, एक दो तीन चार पाँच जितना भी चाहे उतना पास कर सकते हैं, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम लोग बात करें कि क्या एक ही प्रोग्राम में डिफॉल्ट ऑफ पैरामीटर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, यानी कि एक क्लास में आप मल्टीपल पैरामीटराइज या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे उसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट यानी कि पैरामीटर या टाइप्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर हम लोग उसमें पास करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल में अगर कहें कि वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है वो होता है डिफॉल्ट, और जिसमें पैरामीटर होते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आगे हम लोग बात करते हैं कि रूल्स क्या हैं क्रिएट करने का, यानी कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल तो यही होता है कि आप जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने जाएंगे तो उसका जो नाम होगा वो क्लास का नेम होगा, जैसा क्लास का नेम है वैसा ही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। जैसे यहाँ पे एक फिर से हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास हो गया और इसका नेम है लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया। उसके बाद हम लोग जो है ना इसमें जो है ना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो पहला रूल क्या कहता है कि जब भी आप इसमें कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे तो उसमें जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो वही नाम होगा जो क्लास का नेम होगा। तो क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर लिए, स्टूडेंट नाम से एक पैरामीटर एक डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप। देखिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप हम नहीं लिए हैं, इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर या वर्ड, इवन वर्ड भी हम नहीं लिए थे, कोई पैरामीटर यानी कि रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। और थर्ड में कह रहा है कि ये जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल एंड सिंक्रोनाइज, यानी कि ना ही वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ना ही स्टैटिक हो सकता है, ना फाइनल हो सकता है, और ना ही सिंक्रोनाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ना स्टैटिक बना सकते हैं और ना ही फाइनल बना सकते हैं। फाइनल का मतलब होता है कि अब एक बार आप फाइनल वहाँ पे कीवर्ड यूज कर लेंगे तो दोबारा उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसके आगे में आप एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक फाइनल और सिंक्रोनाइज कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग रूल सीख लिए कि पहला रूल हो गया कि सेम नेम होगा क्लास के नेम जैसा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और वो कंस्ट्रक्टर आपका स्टैटिक फाइनल या सिंक्रोनाइज या फिर एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में।
तो हम लोग जानते हैं कि ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप प्रोग्राम में एक ही नाम का सेम नेम का मल्टीपल मेथड अगर आप यूज करते हैं तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहेंगे, अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहेंगे। तो क्या होता है डेफिनेशन उसको समझते हैं। इन जावा वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर लाइक मेथड्स, यानी कि जावा में आप मेथड के जैसे कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, यह डिफाइन किया गया है कि वह कॉन्सेप्ट जिसमें मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो प्रोग्राम में विथ डिफरेंट पैरामीटर्स सो दैट एवरी कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क, जिससे कि प्रत्येक कंस्ट्रक्टर जो है ना एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके, इसलिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स के साथ हम लोग उसमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। तो जब भी किसी प्रोग्राम में आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मिले तो वहाँ पे समझिए कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे उसको क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में तो यहाँ पे एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास, और इसका नाम भी हम रखते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल क्लास हो रहा है। अब इसका बॉडी ओपन हुआ, इसमें हम लोग डेटा मेंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर जो है ना क्रिएट करते हैं जो डिफॉल्ट होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया क्योंकि सेम नेम होगा, और सेम नेम से जो है ना एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर लिए जो डिफॉल्ट होगा, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नेम से फिर से क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग जो है ना कुछ पैरामीटर रखते हैं, जैसे इंटीजर एक्स हो गया, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिए, तो ये हमारा हो गया एक और कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसके जो है हम लोग बॉडी को क्लोज कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सेम नेम से जो है ना दो कंस्ट्रक्टर को दिखाई दे रहा है, एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज, यानी कि ये भी एक कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट है और ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, और दोनों का नेम क्या है सेम है। तो जब दो नेम से कोई भी चीज मिलता है आपको प्रोग्राम के अंदर में, तो उसको हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे सेम नेम से दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर आपको प्रोग्राम मिले, समझिए कि वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। अब इसमें आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को आप बना सकते हैं, जैसे आप ये देखेंगे तो इसमें और भी हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं उसमें डिफरेंट पैरामीटर को पास करके। जैसे हम यहाँ पे करते हैं एक और स्टूडेंट बनाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे बना देते हैं इंटीजर ए कमा इंटीजर बी कमा इंटीजर सी, यहाँ पे तीन पैरामीटर हम पास कर दिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया एक पैरामीटर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं एक प्रोग्राम में, इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।